धोके आने का और बोलने का. गो करुणा, करुणा गो. What's up, people? Good morning, good afternoon, good evening, whatever time you're watching the video at. This is your host Ganesh and you're watching my channel Beardo on Enfield. So right now we are here at an unexplored and unknown place known as Velas. Velas is a beach which is somewhere in Konkan side. Yes, so the reason behind we are wearing all this thing, so just to be safe from coronavirus. Seeing the reason behind why we are here is to see and enjoy turtle festival which is going to happen here in Velas beach. Pata nahi hai, sure nahi hai ki is it really gonna happen, because due to this virus gaon ke logon ne jo homestay provide karte hain yahan pe, the people have said ke यहाँ पर ड्यू टू कोरोना वायरस दे आर नॉट अलाउइंग टूरिस्ट एंड विजिटर्स टू कम एंड एक्सप्लोर द प्लेस. तो टर्टल हैचिंग हुई है कि नहीं हुई है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. तो करेंटली इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग राइट नाउ एंड हम लोग जा रहे हैं सनराइज देखने. एक घंटे पहले ही वी केम हियर एंड वी लेफ्ट यस्टरडे विच वॉज 13th ऑफ मार्च अराउंड एट 10 in the evening and यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं 5 o'clock in the morning. Yes, so I was saying के first time कार से ट्रेवल करके विलास बीच पे आया हूँ which is in कोंकण रायगढ़ मुरबाड. एग्जैक्ट लोकेशन जो है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ऊपर डाल दूँगा. राइट नाउ इट्स 6:45. वॉट ऑल अदर एक्टिविटीज़ वी आर गोइंग टू डू हियर, आई introduce you to a guy who brought me here. The name of the guy is Rohan Gokhale. I'll introduce you guys to him in a while. So guys, be safe, wear a proper mask, make sure you wash your hands properly and try avoiding to touch your nose and mouth with your hands without washing. So टर्टल फेस्टिवल के लिए काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम. सो इफ आई एम लकी इनफ आई विल बी एबल टू सी टर्टल हैचिंग एंड देन लेटर ऑन दे आई टेल यू द एंटायर प्रोसेस हाउ इट वर्क्स. लेट्स गो टूवर्ड्स द बीच. आई कैन हियर sound of waves coming out from there. What are we doing? Just getting the entries done for all 6 of us. We are now visiting the Velas beach for turtle festival. Let's see how it's going. ये सामने जो टेंट टाइप लगा हुआ है सो वहीं पे टर्टल हैचिंग टर्टल फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है. देख के तो ऐसे लग रहा है बिकॉज लुक एट दिस गाइज, नॉट अ सिंगल पर्सन रोमिंग हियर ऑन द बीच, नॉट अ सिंगल पर्सन एक्सेप्ट अस, ओनली विस वी 6 पीपल आर हियर. टर्टल्स है उसमें? हाँ, अच्छा 138. What is this number? 138 and this is another. Acha. So these are the nest. Okay, so first of all, let me introduce you to Rohan. Rohan Modi Khali. Hi. This is Meenal. Hi. Muh to dikha. Baki kidhar hai? Rest are over there, they are coming. So, Rohan, tell our viewers that what exactly Turtle Festival is about. Kaise hai ye Hindi mein bolo. Ha. ये सब नेस्ट है टर्टल्स के. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सब डेट्स लिखे हुए हैं, 5th of January 2020, देन 27th of December 2019. सो दिस डेट्स व्हेन द एग्स द टर्टल्स ने वो एग्स डाले थे यहाँ पे, और ये लोगों ने सब वो एग्स अभी यहाँ पे प्रिजर्व किए हैं. और फिलहाल तो कुछ हैचिंग तो नहीं है अपने पास, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. शाम को आके वापस देख लेंगे
कि हैचिंग कुछ होता है तो फिर सो सो दिस इज अक्षय हेलो दिस इज रूता एंड दिस इज आकाश जब पूरा 200-300 लोग रहते हैं ना तभी ये नेट भी नहीं दिखता है तुम लोगों को इतना क्राउड करते हैं पब्लिक यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं आज हम लोग लकी है कि कोरोना वायरस के वजह से सारे बहुत सारे ग्रुप्स मतलब तो फिर नाउ वी आर जस्ट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस लेट्स सी दो और चांस लेंगे हम लोग एक शाम को आज ट्राई करेंगे और फिर कल सुबह वापस क्या तेरे घर पे टाटा कौन सा इंडियन टाटा ये बस अभी डाल दे पुलिस के पास भेज दो ये ऐसे लोग होते हैं टर्टल का ब्रीड नहीं मालूम है इंडियन टर्टल है ये जो डेट्स लिखे हैं ना 14th ऑफ जन ये टाइम को उन्होंने मतलब वो अंडे डाले थे यहाँ पे तो हर 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 एक एक घंटे में लोग आके चेक करेंगे उठा के कि अगर हैचिंग हुआ है कि नहीं और अगर हुआ है देन दे इन्फॉर्म ऑल द ट्रैवलर्स जो भी आते हैं एंड यहाँ से फिर छोड़ देते क्लिक करते हैं सब पूरा बीच ये लोग जीत पाछे लोग के एक जीते घेऊन येतात ते घेऊन येतात ओ ओ प्रिजर्व कर या पर बस टर्टल्स एक बार एग्स ले कर देते उसके बाद कभी चेक करने नहीं हां वापस कभी नहीं आते सनराइज को थोड़ा टाइम लगेगा आई मीन टू कम आउट ऑफ दोज ट्रीज द बीच इज नीड एंड क्लीन आजू बाजू थोड़ा बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे एंड आई एम थिंकिंग कि वहाँ पे ऊपर जाके शाम को थोड़ा सनसेट का एक टाइम लैप्स निकाल लो बिकॉज quietly listen to the pleasant sound of the waves. Go Karuna! Karuna go! Go Karuna! Karuna go! ये डालूँगा पक्का हाथ धो के आने का और बोलने का गो करुणा करुणा गो जंगली औरत व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान अभी हम लोग मस्त ब्रेकफास्ट करेंगे हमारे लिए पोहा बन रहा है और चाय कॉफी एंड देन वी विल हेड टू बानकोट अच्छा वो बानकोट बानकोट फोर्ट दैट विल बी अराउंड 10-11 आठ बजे के टाइम पे वी आर लीविंग फ्रॉम दिस प्लेस एंड विल बी रिटर्निंग बैक इन इवनिंग समवेयर अराउंड एट 5 आई वाज राइट 5 इन द इवनिंग व्हाट डू यू कॉल दैट लाजाळूच्या झाडाला In our day-to-day life, in metropolitan cities, we never get a chance to explore all these things and we never get a chance to go through all this kind of plants and we are never able to get close to nature. So it's always a great opportunity that we people, we riders or we travelers, we explorers get to come close to Mother Nature and spend some time with it. This was all we did while returning back to hotel and this is our hotel which is our homestay. So, name of the place is, you can see that they have the contact number out over there. Keep it in a piece of paper. Yes.
seeds of touch me not. Where are these people, came or not? So let's get freshen up and have some breakfast. I'm damn hungry right now. So got freshen up and heading towards back side of this hotel. Lace mila hai nahi ye bara bara liya tha na. So guys, after breakfast, it's 10:30 in the morning right now. We are all set and heading towards Bangkok Fort right now. Bangkok Fort is somewhere around 10 minutes far from here. So, see you directly right over there. Gadi jalne urdi. Thank you. So guys, we have finally reached to Bangkok Fort, which is nearby to Velas. Velas se kuch 10 minutes ke distance pe hai by car, and this is the fort behind me. So fort ke yahan se jo view milta hai wo complete sea view hai. And neon color shoes are going to turn into red. This is the entrance of the fort. Most of the part of this fort looks like they are constructing it or repairing it. This was the view I was talking about. So fort wood ghum ke ho gaya. Nothing was that special. Kuch photographs, achhe scenic view tha upar se, to photographs nikale bas. It's not that kind of forts like which we have Shivneri, Raigarh and all those forts. We're back at the hotel and our food is ready. We are done with our food and the food was really awesome. Now we are going to take a rest for like next 3 hours, and by 5 or 5:30 in the evening we'll leave and go and capture sunset at the same beach where we went in the morning. So see you directly in the evening now. So guys, welcome back after a short break, and thoda sa rest ho gaya hai, and we are heading back towards the same beach. So tell me guys how the video is, and do like, share and subscribe to my channel if you are new to my channel. So do that, please support me. Hey guys, we are back at the beach, but then by looking around over here, it doesn't look like the abhi bhi turtles abhi bhi nikle nahi hai sir. Turtles bas ma ta te topli tak let na ate je immediate dates hai na te 27/1 te एक टेबल अजून झालं नाहीये. 50 डेज सांगितले त्यांनी. 50 डेज. So yes, as I said, turtles अभी भी अंडों से बाहर निकले नहीं है.
शायद ये साल इट्स नॉट पॉसिबल टू सी इट. सो गाइज अनफॉर्चुनेटली टुडे वी केम सो फार फॉर टर्टल फेस्टिवल एंड अनफॉर्चुनेटली टर्टल देखने नहीं मिला है. सो आई होप मे बी टुमारो अगर कहीं हम जाते हैं किसी और बीच पे तो मे बी शायद वहाँ पे टर्टल फेचिंग या टर्टल फेस्टिवल सेलिब्रेट होता होगा तो वी कैन बी एबल टू सी दैट. टिल दैट टाइम इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. सो पीस आउट टेक केयर.